को एचआर में इसके बारे में महत्व देखिए दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि पहले एचआरएमएस में अपना मोबाइल नंबर बदलने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप समय पर अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल पाते, जिससे आपको रिजर्वेशन करवाने में दिक्कत पड़ती थी। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स थे जो कि आप नहीं कर पाते थे। परंतु इस समय काफी ज्यादा एचआरएमएस में बदलाव चल रहा है। उसी परिपेक्ष में एक और बदलाव हुआ है, वो है मोबाइल नंबर बदलने के लिए। परंतु इसके लिए क्या है कि आपके पास पहले से ही मोबाइल नंबर और आप आपकी लॉगिन आईडी हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एचआरएमएस आईडी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है या खो गया है या आपका कुछ गलत नंबर है, उस कंडीशन में आप अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको डीलिंग क्लर्क या यूनिट एडमिन, आपके पास दो ही ऑप्शन है, दो से संपर्क करके आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। परंतु यदि आप लॉगिन आईडी अपना ओपन कर रहे हैं, अपना लॉगिन कर रहे हैं एचआरएमएस में, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों। मोबाइल नंबर बदलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एचआरएमएस में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यूजर प्रोफाइल पे जाना है। यूजर प्रोफाइल में जाने के बाद आप देखेंगे आपको मोबाइल नंबर पहले जो फीड वो दिखाई पड़ेगा, और अपडेट कम्युनिकेशन डिटेल में जाके आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। साथ साथ आप अपना पर्सनल नंबर, ऑफिशियल नंबर दोनों अपडेट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप ऑफिशियल नंबर पर ओटीपी लें या पर्सनल नंबर पर ओटीपी लें, तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। कहने का मतलब यह है कि एचआरएमएस में बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं और भी बदलाव होंगे। लेकिन परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था कि मोबाइल नंबर लोगों के अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कृषि की कि आप कम से कम मोबाइल नंबर के अपडेशन के लिए आप दीजिए। अभी भी और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है आरईएसएस में मोबाइल नंबर यदि आपके पास नहीं है, लॉगिन आईडी नहीं है, तो आप जो है आप अपना मोबाइल नंबर डीलिंग क्लर्क के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बदलवा सकते हैं। परंतु एचआरएमएस उस तरह की सुविधा नहीं है। इसके लिए आपको थ्री स्टेज पे ही जाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। आपको कम से कम टू स्टेज भी हो जाए तो अच्छा है, बहुत आसान तरीके। इसके लिए भी टीम जो है इस पे काम कर रही है कि आपको आसान तरीके से आपका डिजिग्नेशन, आपको मोबाइल नंबर, ये बहुत सारी इस तरह से बदलाव बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। जिसके लिए आप थ्री स्टेज पे जा रहे हैं, वो समस्या आपकी समाधान हो। मैंने आपको जो वीडियो बताया कि आप मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। परंतु यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, अपडेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क कर लीजिए। डीलिंग क्लर्क ही आपके मोबाइल नंबर बदल सकता है, यदि आप अपना एचआरएमएस लॉगिन नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में।